हाँ साहब है कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। बल्कि मैं भी मित्र में हूँ और मुझे यहाँ एक साहब मिले हैं, जैसे कपड़ा पहने हुए, इस पर लिखा हुआ है गरीबों के लिए दवाएं हासिल करें। इस पर इनकी वेबसाइट भी है और मोबाइल नंबर भी, ईमेल एड्रेस सब है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि करते क्या हैं, कौन है ये। वैसे हम तौर पे मेडिसिन बाबा के नाम से मशहूर है, मेडिसिन बाबा कहते हैं लोग इनको। उनसे बात कर रहे हैं सर, ये बताइए आप ये जो पहले एड्रेस क्या मतलब इसका, क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई घर नहीं, ऐसी कोई जुग्गी नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जिसके घर में दवाइयाँ नहीं हों। हम लोग ठीक हो जाते हैं, पाँच दिन के डॉक्टर दवाई देता, तीन दिन में ठीक हो गए। दो दिन की जो आपके पास दवाइयाँ बच्चे अपने दिन में डाल रहे हैं, आप भी ये बताओ बच्ची दवाइयाँ दान में नहीं के कूड़े दान में। मेडिसिन बाबा का एक सपना गरीबों के लिए मेडिसिन बैंक होता, किसी सरकार ने बनाया नहीं बनाया मुझे पता नहीं, मैं किसी को नहीं बोलता, पर हम मिल के आपस में दवाइयों को प्रॉपर चैनल से गरीबों तक पहुँचा सकते हैं। सर आपका मकसद है कि कोई भी गरीब जो वो दवा की कमी से बीमार ना रह जाए, मर ना जाए, उनको दवा जरूर मिल जाए उनको। दवा जो आज मैं पूरे भारत में काम कर रहा हूँ, यानी दिल्ली में दिल्ली वाले के लिए काम करूँ, मैं लोग को व्हाट्सएप के ऊपर डिस्क्रिप्शन भेज दीजिए, अपना एड्रेस भेज दीजिए, हफ्ते दस दिन के अंदर कुरियर भी जाएगा उसको क्लियर, और मेडिसिन भी क्लियर पोस्ट पहुँच जाता है ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी। मेरा यही काम। तो बाबा आप कब से ये काम कर रहे हैं? आज मुझे तकरीबन 15 साल हो गए इस काम कर रहे हैं। तो दवाइयाँ आपको आसानी से मिल जाती है, लोग दे देते हैं बांटने के लिए, क्या मुश्किल भी होती है? दवाई की ज़रूरत होती है, आपको परेशान हो जाते हैं, दवा मिलती नहीं है ताकि आप दूसरे ज़रूरतमंद को दे सकें। अभी पब्लिक में इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो जो दवाइयाँ हैं हम प्रॉपर तरीके से, मैं ये कहता हूँ पूरी दिल्ली में बाहर में मैं नहीं पहुँच सकता, दिल्ली में भी नहीं पहुँच सकता। आपके पास आर्य समाज मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, और कोई मंदिर जहाँ चैरिटेबल चल रहा है वहाँ पर दान कर दी। मतलब यही तक लक्ष्य है कि दवाइयाँ कच्चे में बन जाएंगी। हिंदुस्तान के किसी भी शहरी को आप दवा दे देंगे, जरूरत होगी उसको, अगर वो जरूरतमंद है तो। जरूरतमंद है यानी उससे मेरा मतलब नहीं, पर्चा लेके मेरे गाँव में बैठा हुआ उत्तम नगर में जाए, मेरे फार्मेसी को पर्चे की कॉपी दे दे, पर्चा दे दे, वो अपने आप दवाई डोनेट कर दे। अगर कहीं बाहर से बाहर है, दिल्ली के अंदर ये भी बाहर है, रजिस्ट्रेशन पे, तो हमें पता नहीं हो गरीब हमें अमीर हमें क्या, हमें तो सेवा करें, तो कहीं से भी मैं दवाई नहीं पा सकता, हमें कोई परेशानी नहीं। तो सर 15 साल से आप ये काम कर रहे हैं, कभी आपको लगा कि नहीं बहुत मुश्किल काम है, आप ये नहीं करना चाहिए हमें? जब तक ठोकर नहीं लगेगी आप काम नहीं कर सकते, पर रोज काम कर रहे हो ठोकर लगने के लिए आप में अवेयरनेस रहेगी, काम करने में परेशानी आएगी। अगर आप में कोई नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बोलते रहेंगे पर आप आवाज में रहेंगे, तो आपको तो पॉजिटिव और सुनने की हिम्मत थोड़ी थी। मैं कोई बोलता हूँ मुझे कितना बुरा को मेरे काम में बुराई निकालो, आप अच्छा लगेगा। तो बाबा देखिए इस देश में अपने यहाँ भी हर जगह भी दुनिया में इलाज बहुत महंगा हो गया, जो प्राइवेट अस्पताल हो गए हैं वो लाखों में करोड़ों में। तो आपको ने सरकार को ऐसा कुछ मशवरा देना चाहेंगे आप, सरकार इतने अस्पताल बना दे, इतने अच्छे बना दे कि प्राइवेट की जरूरत ही खत्म हो जाए? मैं इतना जोर बोलूँगा कि सरकार जो भी है बहुत सेवाएं कर रही है, अवेयरनेस की कमी है, पब्लिसिटी के ऊपर करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, पर काम पे कितना हो रहा है भगवान बेहतर जानता है। मैं नहीं बताना चाहता है कितना काम हो रहा है, पब्लिसिटी के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, पब्लिसिटी बहुत कुछ हो रही है, कहीं पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। बाकी मैं जो कहूँगा कि कम से कम इंसान को दवाई मिलना चाहिए उसके साथ। अच्छा आप हम लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि आपके घर में जो दवाएँ बच गई हैं वो इधर उधर फेंकने के बजाय आपके पास पहुँचा दिया करें? मेरे पास पहुँचा दो, मेरे पास नहीं पहुँचा तो कहीं पर भी चैरिटेबल डिस्पेंस हो किसी भी शहर के अंदर कहीं पर मत दे दो यार, किसी के काम में तो आएगी आपकी दवाइयाँ, देखो तो जल्दी दे दीजिए। बाबा आप इतना नेक काम कर रहे हैं, क्या दवा की कोई ऐसी कंपनी है जिसने आपको ऑफर किया हो कि मैं दवा देता हूँ आपको फ्री में? आते कंपनी मालिक करते हैं, कहीं एम आर ले जाते हैं, बाकी मेहमान वगैरह भी एक चीज़ बोलता हूँ मुझे 2-4 पत्ते 10 पत्ते मान लो, मुझे देना 2 कार्टन 2-4 कार्टन 2 डिब्बे का डिब्बे। मेरे पास जैसे कई आते रहते हैं, देखते रहते हैं, फिर मैं आपको लेकर ये बता रहा हूँ, मैंने अपने काम में छोटे छोटे काम में मैंने तो मेडिकल मैंने भी किताबें भी बनी है भाई, अभी जो बता रहा हूँ मैं इस तरह डोनेट नहीं करता हूँ।
ये हमारी बहुत बड़ी मिशन है, राम किशन मिशन, नाम सुना होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसमें 50 डिब्बे मैंने पार्सल करे पूरे 40 डिब्बे पर। अब 40 डिब्बे के बस 10-20 रुपये लाखों में, तो मैं ऐसे ऐसे बल्क में भी आने डोनेट करता हूँ। मेरे किस काम के, मेरा के लिए जाएगी तो आएगी। अच्छा, आप आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस काम के जरिए? आप लोगों के अंदर जो दवाइयाँ पड़ी है उसको कहीं डोनेट कर दीजिए। हर एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, प्रधान का, वहाँ जाकर डोनेट कर दीजिए ताकि वो लोग लेते नहीं, बड़े परेशान करते। मुझे भी बहुत खराब था, मोदी जनता पार्टी डी एम की परेशानी क्यों उठाएंगे, तो फिर भी उनका पीछे पड़ेगा, तो आपको सहयोग करेंगे। सर, आप ये काम जब शुरू क्या ध्यान आया, क्यों शुरू कर दिया, क्या सोच के शुरू किया? नहीं तो मैं ऐसा क्या हुआ आपको जरूरत पड़ी कि शुरू करें? नहीं, ये दिल्ली में जब हमारे घर पर लगा मेट्रो शुरू नहीं हुई थी तो रेंटर गिर गया था। आप 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, तो जब रेंटर गिरे थे मेरे ध्यान लिया तो संडे का दिन था और जब आदमी अस्पताल में गरीब आदमी थे, उससे एक बात में लेकर के हमारे डॉक्टर गए थे, इलाज कर रहे थे अच्छी तरह की, भाई को कह दिया दवाई हमारे पास खत्म हो गई है और वो आप ला दो। मेरे घर जो फुटपाथ का आदमी रहा हूँ कहाँ से दवाई लेकर आए, उसी से कई क्रिटिकल कंडीशन। 15 साल हो गए, तो आपके टीम में कितने लोग हैं? मतलब चार एक में हूँ, एक फार्मेसी से दो असिस्टेंट, आपका एक ऑफिस है वहाँ पे, अच्छा बस किराए के मकान में बैठा हुआ काम करता है और 4-6 साल बाद खाली कर। अभी किराए का ऑफिस है, किसी ने डोनेट नहीं किया, ऑफिस वगैरह नहीं मिली किसी को, कोई नहीं, मत करो, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। अभी देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का स्पेशल टाटा टी का जो है नाम से छापा हिंदुस्तान टाइम्स का स्पेशल एडिशन है ये, इसमें इनकी फोटो है, बाबा की फोटो यहाँ पे आप देख लीजिए। मैं फोटो अंदर बताऊंगा आपको। देखिए स्पेशल एडिशन में इन पे दो पेज इधर है, उधर भी है, 4 पेज इसमें। आज मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का ये स्पेशल एडिशन है, खास लोगों पे एडिशन छपा है, इसमें इनकी भी फोटो है, यहाँ है ये दवा ले रहे हैं, दवा दे रहे लोगों के एडवाइजर, बाबा कैसा काम करता है, क्या करता है, बहुत कुछ है, भगवान की कृपा है। ये फोटो देखिए, ये भी इन्हीं पे है, देखिए ये भी है, ये भी है, लोगों का प्रेस वगैरह क्या फोटो करना चाहिए वो सब। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं भगवान आपको इसका बदला दे, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।